समन, दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू. मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक बंगले में रहने आ रहे हैं. इट्स रियली वंडरफुल अनु, मुझे बहुत मजा आ रहा है. लुक एट दिस ट्रीज यार, कितना सुंदर है. अनु मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है इतने दिन यहाँ रहने के बाद वापस शहर जाके रहना बहुत मुश्किल होगा. पापा मेरा नया घर कब आएगा? बस बेटू 5 मिनट में आ जाएगा. हां समझ, नीरू के साथ साथ हम भी बच्चे बन गए ना. साहब, जब आपको ये घर पसंद आ ही गया है तो फिर संकोच कैसा? मैंने कोई लाखों रुपए थोड़ी ना मांगे अपनी फीस के. अब इतना तो बनता ही है ना. लेकिन फिर भी चलिए, जैसा आप ठीक समझें. मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ खुशी खुशी रहें. वैसे मैंने ये घर साफ करा दिया है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, अब इसीलिए थोड़ी धूल जम गई थी. चलिए अब कागजात पे दस्तखत कर दीजिए. ठाकुर जी, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया ना आपने? अरे भाभी जी, अभी अभी तो आप लोग आए हैं और जाने की बातें कर रहे हैं. मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से कभी नहीं जाएं. यहाँ से आपको जाने का दिल ही नहीं करेगा. ले पेपर्स ले, कहाँ साइन करना? लीजिए लीजिए यहाँ. अच्छा, यहाँ बाकी की सुविधाएं तो है ना? हाँ. पता चला आज पानी नहीं है, कल बिजली नहीं है. नहीं नहीं भाई, मैं अपनी किताब लिखने आया हूँ यहाँ पे, और सब झंझटों से दूर. अरे साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ सारी सुविधाएं हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. हाँ, रात को खिड़कियां बंद करके रखिएगा. क्यों? कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली ना घुसे. हाँ जी, थैंक यू. थैंक यू सो मच ठाकुर जी. अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ. नमस्ते. नमस्ते. अनु, आई एक्चुअली लाइक दिस प्लेस. मी टू. समन. हाँ? समन, आ रही हूँ. अरे जल्दी आओ ना. अरे यार, आ रही हूँ ना. क्या है? क्या हुआ अनु? Just अनु, what? क्या प्रॉब्लम है बाबू? Enjoy ना यार, इतना सुंदर घर है, it's a dream house. तुम इतना irritated क्यों लग रहे हो? Enjoy ना. ये dream house है, यहाँ पे सिर्फ night में रह सकते हैं, पता है? तो horror stories लिखो. और तुम यहाँ पे horror paintings बनाना. मकान अच्छा लेकिन साफ सफाई में पूरा 1 महीना निकल जाएगा, पता है? 6 महीने की बात है ना, चुटकियों में गुजर जाएंगे. और जब घर अच्छा है तो सफाई भी हो जाएगी. बाहर देखो, वो देखो ना कितनी सुंदर सीनरी है, कितना मजा आएगा. एंजॉय ना यार. डार्लिंग, यहाँ पे सीन सीनरी देखने नहीं आए हम लोग, तो शहर में ही रुकते ना. नेचर चैनल पे आते हैं सीन सीनरी. मैं जा रही हूँ अभी. कहाँ? क्या इरादे हैं? इरादे? इरादे तो नेक हैं. मेरे भी कुछ इरादे हैं. क्या? मुझे कितना काम करना है, साफ सफाई करनी है. अच्छा? इसको ड्रीम हाउस बनाना है. अच्छा. और हीरो, क्या हुआ? क्या हुआ नीरू? तेरी मुनमुन सुधरेगी नहीं सोना. मुनमुन कम डाउन. चलो बेबी, चल बाबू. ओले ओले ओले, जाओ गो. Thank you.
क्या हुआ? अनु मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था साफ सफाई हमारा काम नहीं है, और तुमने जो पेंटिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है एडवांस के साथ, कौन करेगा? मुझे काम करने की आदत नहीं है ना। देखो ना अनु, प्लीज देखो ना, गांव में कोई मिले काम करने के लिए तो ठीक है। मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, शायद कोई मिल गया तो ले आता हूँ। मैं इस गांव में नया हूं, क्या आप मेरी मदद? तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, यहां से दूर रहो। वो दुकानों पर यहां जो दफन होता है वो वापस जिंदा हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कब्रिस्तान मुर्दों को जिंदा कर देता है और वो फिर वापस आ जाते हैं जिंदगी के तलाश। क्या? चले जाओ यहां से, चले जाओ। अनु, आ गए? क्या बात है, क्या हुआ, तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत तो ठीक है समन। आज जो मैंने देखा वो देख के हैरान हूं मैं। It doesn't seem right, समन। क्या देखा? एक बूढ़ा उसे क्या पूछ रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। अनु, गांव वालों को समझना पड़ता है। You got to understand them. Keep your patience. अच्छा ये बताओ, तुम कुछ कह रहे थे, मैंने देखा, क्या देखा?
समन, जब मैं गांव में गया तो वहां पे कोई था ही नहीं। सारे लोग एक जगह इकट्ठा होके पता नहीं कुछ तो कर रहे थे। इट वॉज अनकैनी, इट गेव मी द क्रीप्स। और वो बूढ़ा जो कब्रिस्तान में मिला, मैंने उससे पूछा कि मेरी मदद, क्या अनाप शनाप बकने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में जिसको दफन करो वो फिर से जिंदा। आई डोंट वांट टू रिमेम्बर ऑल दैट। तो भूल जाओ ना, डोंट रिमेम्बर। देखो गांव वाले बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, कल किसी से बात कर लेना, मामला क्लैरिफाई हो जाएगा, डोंट वरी। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, खाना बना के रखा है, चलो ना खा लेते हैं। चलो मैं आता हूँ। कम सून। दफन होता है तो वापस जिंदा हो जाता है, ये कब्रिस्तान मुर्दों को जिंदा कर देता है, और वो फिर वापस आ जाते हैं, जिंदगी के तरह वापस जिंदा हो जाता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, और फिर वापस आ जाते हैं, जिंदगी के तरह सारे लोग आगे काम करने। राम राम साहब जी, राम राम बीबी जी। हम हरिया हूँ, ये हमारी लुगाई बुंदी है। हम भोला हूँ, आज से हम लोग आपके लिए काम करेंगे। आपसे किसने? वो ठाकुर जी है ना, उन्होंने कहा था। अच्छा। अरे हाँ, ये हमारा बेटा है। अच्छा वो अनु, देखो ना नीरू की उम्र का है, नीरू को एक साथ ही मिल गया। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? किशन। किशन। घर बनाएंगे। किशन, तुम मेरी मुनमुन का तन करना छोड़ दो, नहीं तो मैं मम्मी को बोल दूंगी। अनु सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। देखो वो मुनमुन घर से बाहर निकल गई और अभी तक वापस नहीं आई है, और वो नीरू ने रो रो के मेरी चैनल कट कर दी। जरा देख के आओ ना कहाँ गई हो। ठीक है। मुनमुन, किसे ढूंढ रहे हैं साहब? वो मेरी बिल्ली कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वो देखो, वो रही, कब से ढूंढ रहा हूँ उसको। रुको साहब, मैं उतार देता हूँ इसे। ये तो मर गई साहब। लेकिन कैसे?
अब हमें क्या पता साहब, कोई जहरीली जड़ी बूटी खा लिया हो। मेरी बेटी सुनेगी तो पागल हो जाएगी वो। एक काम करते हैं साहब, इसे यहीं दफना देते हैं, ताकि घर जाके बोल देना कि बिल्ली गुम हो गई करके। चलो चलो साहब, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सॉरी बेटा, मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो सुबह तक आ जाएगी। हाँ लेकिन अनु, वो मैं आ रहा हूं। चलो बेटा, मुझे मुनमुन चाहिए। यू मेरा अच्छा बेटा ना। हाँ बेटा, मुनमुन आ जाएगी बेटा। हाँ? मुझे मुनमुन चाहिए। बेटू, मुनमुन आ जाएगी बेटा। हाँ? आप सो जाओ अभी। हाँ? चलो। मुझे मुनमुन चाहिए। मेरा बेटा मुनमुन आ जाएगा बेटा। हाँ? सो जाओ। Tell you something. क्या? नीरू से कह नहीं पाया, लेकिन तुमसे कह रहा हूं। मुनमुन मर चुकी है। क्या? मैं जब उसे ढूंढने निकला था तो वो एक कब्रिस्तान की दीवार पे मरी हुई मिली। गांव वाले की मदद से मैंने उसको दफना दिया। नीरू से नहीं कह पाया, पर तुमसे कह रहा हूं। वो छोटी है, बच्ची है ना अभी। तुमने ठीक ही किया। Are you all right? Hmm? Are you all right? Yeah, I'm fine. परेशान थी। अभी तुम मुझे छोड़ के जाओगी ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मा इधर आओ जल्दी, मुनमुन वापस आ गई। मुझे मालूम है तुम क्या कहोगे, लेकिन एक बात बताओ, मुनमुन जैसी एक ही बिल्ली है क्या दुनिया में? कोई और बिल्ली रही होगी, ये अपनी मुनमुन ही है। ये मैंने इसको अपने हाथों से दफना। अनु, अजीब सी बातें कर रहे हो। अगर ये मुनमुन नहीं है तो ये बताओ, ये बिल्ली नीरू के साथ इतनी फ्रेंडली कैसे है? डोंट वरी, ये मुनमुन ही है। प्लीज समन बाबा, ये वो बिल्ली नहीं है। प्लीज यार, जब तुमने उसे बैरी किया वहां बहुत अंधेरा था और तुम्हारे पास सिर्फ एक टॉर्च थी,
कुछ आंगू का धोखा हुआ है तुम्हें। प्लीज यार, और नीरू खुश है, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब चलो ना नाश्ता खाते हैं, लेट्स गो। ये कब्रिस्तान मुर्दों को जिंदा कर देता है, जिंदा कर देता है, और वो फिर वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं जिंदगी के तलाश, जिंदगी के तलाश। छोड़ दो बेटा, पापा की बात मान लो, बिल्ली को छोड़ दो। नीरू, बिल्ली को छोड़ दो, अच्छी बिल्ली नहीं है ये। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? सुमन, सुमन, ये बिल्ली भूत है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, क्या हो गया? कब्रिस्तान में इसको दफनाया था, ये वापस आ चुकी है। तुम बैठ जाओ, तुम नीरू, अनु, नीरू, बिल्ली है, तुम इतना फरियाद क्यों कर रहे हो? आपकी बीवी को गहरा सदमा लगा है, उसे होश आने में वक्त लगेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अब आपको अपनी बेटी की लाश को उस कब्रिस्तान में दफना देना होगा। नहीं, कब्रिस्तान में बिल्कुल नहीं। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह इस लाश को इस घर में रखना ठीक नहीं। वैसे भी उसके सर में घाव है, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन डॉक्टर, समन को एक बार होश आ जाए, वो आखिरी बार एक बार नीरू, इससे आपकी बीवी को एक और सदमा लग सकता है। वैसे भी सुबह तक वो होश में नहीं आएंगी। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं।
नीरू नीरू अनु नीरू का है, नीरू का है, दिख नहीं रही मुझे। हाँ बोलो ना अनु नीरू का है, उसे ढूंढो ना जरा जाके। मुझे से क्या पकड़ रखा है, नीरू का है। सब ठीक ठीक हो जाएगा सब कुछ। नीरू चाहिए, जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? अपनी नीरू अब नहीं रही। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बाबू तुम अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? जाओ ना नीरू को ढूंढो, क्या कर रहे हो तुम? मैं सच में बहुत बुरा बाबू, मेरी वजह से मेरी फूल जैसी बच्ची नहीं रही। इन यादों से मैंने उसे दफनाया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ तुम झूठ बोल रहे हो? मेरी नीरू का, मुझे मेरी नीरू लाके दो ना प्लीज। मैं नीरू के बिना नहीं रह सकती अनु, प्लीज प्लीज प्लीज। तेरे पापा कितने झूठे हैं, मुझसे कह रहे थे कि बाबू मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो। हरिया आज कोई काम नहीं है, आज छुट्टी है, जाओ। साहब अरे बोला ना जाओ, आज कोई काम नहीं है, भीड़ मत लगाओ, जाओ इसे। नीरू बेटा कुछ खा लो, सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं, अगर ये अच्छा नहीं लगता तो ये खा लो, लेकिन कुछ खा लो बेटा। नीरू लो कुछ खा लो बेटा, पता नहीं कब से नहीं खाया तुमने। नीरू खाओ ना बाबू, नीरू अनु देखो ना, नीरू कुछ खा ही नहीं रही है, सब उसकी पसंद की चीजें हैं, पता नहीं कब से भूखी है बेचारी। क्या बात है, चलो सब। अरे समन, समन प्लीज होश में आओ समन, हमारी नीरू अब मर चुकी है। तुम्हारी आंखों के सामने वो गिरी थी ना, याद करो
मैंने उसे अपने हाथों से दफनाया था, वो जिंदा नहीं है अब। She is a ghost. पागल बिश, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बकवास कर रहे हो तुम। अरे कोई कोई कभी कभी मर के वापस आया है क्या? हाँ, और वो बच्ची जो अंदर बैठी है वो मेरी नीरू नहीं है तो फिर कौन है? समन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें याद है उस बूढ़े आदमी ने मुझसे क्या कहा था कि कब्रिस्तान में जिसको भी दफनाया जाता है वो लौट के वापस आ जाता है। मैंने उसकी बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन समझने की कोशिश करो प्लीज। समझ प्लीज। अनु नीरू वहां क्या कर रही है? ये लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ? ये क्या कर रहे हैं? इनको रोको ना, तुम क्या कर रहे हैं मेरी बच्ची के साथ? ये समन वो देखो वो यानी कि सारे गांव वाले कब्रिस्तान से जिंदा वापस आए। अब जिंदा नहीं है। क्या बकवास? वो भी जिंदा नहीं है। सब घोस्ट है वहां पे। मेरी बच्ची उसे जाने दो, उसे जाने दो समन। अब उसकी वही दुनिया है। उसे जाने दो। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमें भी चलना होगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं बिना नीरू के कहीं नहीं जाऊंगी। वापस आ जाते जिंदगी के तलाश।